हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए सेवई का उपमा लाई हूँ, जिसे आप या तो सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हैं या शाम के नाश्ते में भी बना सकते हैं। जब आपका मन करे तब आप बना सकते हैं। बहुत ही इजी बनता है, ये इजी प्रोसेस है इसके। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले आप 2 चम्मच तेल डाल लीजिए कढ़ाई में। उसके बाद से यदि आपको तीखा ज़्यादा पसंद नहीं है तो फिर 1 मिर्चा डालिए, नहीं तो 2 डालिए। और थोड़ा सा आप इसमें जीरा डाल दीजिए। जब ये दोनों चटकने लगे तो मैंने एक प्याज काट के रखा हुआ है, ये देखिए स्लाइस में काटा है, लंबी स्लाइस में, जो कि इसमें आप डाल दीजिए और फिर इसे भुनेंगे। और फ्रेंड्स, मैं क्राफ्ट के साथ साथ आपके लिए फूड भी लेकर के आऊँगी, जो कि शायद हो सकता है शायद आपको पसंद आए। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अगली बार से कोई भी वीडियो लाऊं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। हम प्याज को भुनेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस लाइट ही, हल्का हल्का सा कलर आए उतना ही भुनना है। ये देखिए, बस ऐसे ही चलाते हुए 2-3 मिनट तक इसे भून लेंगे। 3 से 4 मिनट में प्याज भून जाता है। बस ये देखिए, ये देखिए थोड़े थोड़े कलर आ गए हैं। बस अब इसी टाइम पर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। पहले थोड़ा सा जीरा पाउडर डालिए और थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी पाउडर, 3-4 पिंच, देखिए बस ज़रा सी हल्दी पड़ती है, ज़्यादा नहीं। और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, ये बस ज़रा ज़रा सा, बस आधा आधा चम्मच सब डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्दी थोड़ी कम रहेगी। अब इसे चलाएंगे और मसाले जले ना, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं, बस 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैंने ऐड किया, अभी इस मसाले को चलाएंगे तो ये मसाला आपका जलेगा नहीं। और इस टाइम पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच वो भी। ये देखिए बस इतनी सी, अब इसे चलाएंगे। और फिर से भूनते हुए बस मतलब इसे मिला के 2 मिनट भूनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। बढ़िया से मिक्स करके खुद ब खुद तुरंत जो है मसाले तेल छोड़ देंगे। ये देखिए छोड़ दिया। अब मैंने ये वर्म सिली ली है, ये ना ही तो बहुत मोटा वाला है और ना ही तो बिल्कुल बारीक वाली है, ये बीच का आता है, इसे मैंने लिया है। और मैं इसे 1 कटोरी ली हूँ, आप अपने घर के मेंबर के अनुसार ले सकते हैं। ये मैं 2 लोग के लिए बना रही हूँ, आप चाहें तो अधिक इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें, और जितने आपके घर मेंबर हो उतने आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब इस टाइम पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ, अपने स्वाद के अनुसार आप नमक ऐड कीजिए। अब इसे चलाएंगे। और फ्रेंड्स, कुछ लोग पहले ही सेवई को भून लेते हैं, उसके बाद से इसमें ऐड करते हैं। मैं बनाती हूँ तो पहले इसे मैं पहले नहीं भूनती, इसी में भून देती हूँ। इसके साथ ही आराम से भुना जाता है, कोई टेंशन नहीं होती। ये देखिए बस इसे, जैसे आप सेवई जितनी देर भूनते हैं 2 से 3 मिनट में, 4 मिनट में लाल हो जाता है, बस उतना ही टाइम इसको देना है। पहले तो इस पर वाइट वाइट सा कोट जमेगा, देखिए ये पता नहीं कैमरे में ठीक से दिख रहा है या नहीं, बट मैंने कोशिश की थी कि दिखे। ये देखिए पलट रहे हैं तो इस पर वाइट वाइट सा आ रहा है, ये मैंने कोशिश किया था बट आया नहीं, कैमरे में साफ कैप्चर नहीं हो रहा है। बस ऐसे ही चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। ये
और इस भूनने के बाद से इसमें आप जितना आप लेंगे सेवई, ठीक, उसका डेढ़ गुना से पौने दो गुना, मतलब कि एक भर के और आधा, एक मैंने कप सेवई लिया है तो एक कप पूरा पानी और एक कप तिहाई भाग पानी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। देखिए मैंने पानी ऐड किया, अब इसे ब्रावर चला करके अच्छे से इसे चलाएंगे, चला करके ढक देंगे। और इसमें आप चाहें तो सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जो जो सब्जी आपको पसंद हो वो सारी सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च छोटा छोटा बिल्कुल काटिए, बीन्स हुए हैं बिल्कुल बारीक काटिए इसमें डाल सकती हैं, जब प्याज हल्का भुन जाए उसी टाइम में ये सब सब्जी आप इसमें डाल सकती हैं और फिर उसको भुनेंगी। और ये देखिए पानी सूख के लगभग आधा हो गया है, बस थोड़ी देर और ये भुनाएगा, बस ऐसे ही चलाते हुए इसे भुनना है। इस वक्त मेरे पास सब्जी नहीं थी और मेरे बेटे को उतना सब्जियां पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं सादा ही बनाती हूँ अधिक करके, बट आपको और अधिक पौष्टिक चाहिए तो इसमें आप जितनी चाहें उतनी सब्जियां डाल सकते हैं। और देखिए ये पानी तो सूख गया है बट इसे अभी उतारना नहीं है, अभी उतारेंगे तो ये गीला ऐसे ही चिपचिपा गीला गीला रह जाएगा, तो इसे हमें चलाना है अभी। अब इस टाइम पे आप चाहें तो थोड़ा इसमें आधा चम्मच ये घी ऐड कर सकती हैं, शुद्ध घी ऐड करके इसे चलाइए तो इसका जो रंगत है या देखने में ये और भी खूबसूरत लगता है। बस अब ये जब ये हो जाए तो आप इसमें हरा धनिया काट करके डाल दीजिए। अब देखिए इसे मैं चेक कर रही हूँ, आप थोड़ी सी एक ले करके से उंगली पर रख करके ऐसे दबा करके देखिए, हल्का हल्का सा बिल्कुल कच्चापन होना चाहिए, पूरी तरह से वो मसलाना नहीं चाहिए, हल्का सा कच्चापन होना चाहिए, बस आपकी सेवई तैयार है। अब ये देखिए इसे मैं एक प्लेट में निकाल के आपको दिखाती हूँ, ये देखिए देखिए इसे बनाने से ये है कि हम भूल जाएंगे ये नूडल्स वगैरह खाना, ये इतना टेस्टी लगता है। देखिए ये मैंने अपने बेटे के लिए निकाला है। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बटन ज़रूर दबाएं। बाय फ्रेंड्स।